हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। एक और शानदार वीडियो लेकर आ गए हैं। जल्दी से देखते हैं इस वीडियो को, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है, सिनेमा की दुनिया में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन अब शायद हम उसके नजदीक पहुंच रहे हैं। और इस जवाब को हमारे सामने लेकर आए हैं सनी देओल, वो भी एक बार नहीं दो दो बार। जिन थिएटर्स पे कुछ दिनों पहले परमानेंट ताला लगने का डर सता रहा था लोगों को, आज वहां जाके देखिए इतनी भीड़ जैसे मानो कोई जश्न मनाया जा रहा है। और इस जश्न का नाम है गदर 2। भैया जी फिल्म ने उम्मीद से भी ज्यादा बिजनेस करके पूरी फिल्म इंडस्ट्री के होश उड़ा दिए हैं। हाँ, तो मेरा सवाल जिसकी बात ऊपर हो रही थी, किसी फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सी होती है। गदर 2 को जब मैंने देखा था ना थिएटर के अंदर, उसी वक्त रियलाइज हो गया था कि फिल्म में ना तो कहानी है, ना तो कंटेंट है, और ना ही अच्छी वाली एक्टिंग है। लेकिन इस सब के बावजूद फिर भी पता था कि जब फिल्म का कलेक्शन बताया जाएगा ना, तो सबकी आंखें बाहर निकल आएंगी। यहीं पे सनी देओल ने उस बात को साबित कर दिया जो मैं हमेशा से बोलती आई हूँ और सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ जिस चीज पे, पब्लिक इज द किंग। जनता का हाथ अगर फिल्म के सर पे होगा तो कॉन्टेंट, कहानी, एक्टिंग वगैरह सब कुछ गया तेल लेने, फिल्म पैसा कमाएगी। और भैया, गदर 2 सिर्फ पैसा नहीं छाप रही है, ये हिस्ट्री बनाने जा रही है। बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड्स किसी कोने में छुपके बैठे हैं। आज के जमाने में जब बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म को हिट बताने के लिए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के पीछे छुप जाते हैं, ऐसे में गदर 2 ने सिर्फ इंडिया के अंदर बॉक्स ऑफिस पर सुनामी मचा के रख दी। थिएटर में एक भी सीट खाली नहीं है, जाके चेक कर लो। बहुत टाइम बाद ऐसा सिनेमा बना है जिसके बारे में लोग ये नहीं जानना चाहते कि वो फिल्म अच्छी है या बुरी, लॉजिक है या नहीं, पैसे खर्च करें या नहीं। ऐसा लग रहा है किसी अपने ही घर वाले ने फिल्म बनाई हो जिसको देखना बेहद जरूरी बन गया है। अपने परिवार को सपोर्ट तो हर कोई करता है, अच्छा हो या बुरा हो। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि उन लोगों के मुंह पे ताला लग चुका है जो कुछ घंटों पहले ये बोल रहे थे कि गदर 20-25 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग नहीं लेगी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि सनी देओल का टाइम खत्म हो गया, किसी नए एक्टर को लाते तो शायद लोग फिल्म का टिकट खरीद भी सकते थे। 40 करोड़, यह है वो तमाचा जो गदर 2 ने मारा है इसकी पॉपुलैरिटी पे सवाल उठाने वाले लोगों के गाल पे। ध्यान से देखो, उंगलियों के निशान छप गए होंगे। और कमाल की बात जानते हैं, ये तूफान आके इतनी जल्दी वापस जाने वालों में से नहीं है। 15 अगस्त तक तो आप समझ लो भूकंप आएगा, पूरा बॉलीवुड हिलेगा। जिसका सबसे बड़ा सबूत है गदर 2 का सेकेंड डे कलेक्शन, जहाँ पे फिल्म ने जंप मारा है 40 से पूरे 43 करोड़ का। ये कलेक्शन में जंप इसीलिए काफी स्पेशल है क्योंकि गदर 2 को रिव्यूज वगैरह कुछ खास नहीं मिले। ये सेकेंड पार्ट फर्स्ट वाली गदर का 10% भी नहीं है। उसके बावजूद लोगों के मन में 1% भी डाउट नहीं आया कि वो दूसरे दिन फिल्म देखने जाएं या ना जाएं, वो तो बस इस फेस्टिवल का हिस्सा बनना चाहते हैं। और तीसरे दिन की तो आप बात ही मत पूछो, फिल्म की एडवांस बुकिंग ही इतनी है जिसमें बॉलीवुड की 4-5 फिल्मों का लाइफ टाइम बिजनेस खत्म हो जाए। 27 करोड़, जी हाँ सही सुना आपने, कोई भी जीरो इधर उधर नहीं हुआ है, पूरे 27 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है गदर 2 के तीसरे दिन। और अर्ली प्रिडिक्शन में बोला जा रहा है कि फिल्म संडे को 40-45 नहीं, पूरे 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन निकाल के लाएगी सिर्फ एक दिन में। इस हिसाब से जोड़ के देखोगे ना तो सिर्फ इंडिया के अंदर गदर 2 ऑलमोस्ट 150 करोड़ के पास पहुंच जाएगी, वो भी ओनली 3 दिनों में। क्यों, हिला डाला ना। और सबसे जरूरी बात, फिल्म का बजट ओनली 100 करोड़ बताया गया है, मतलब सिर्फ 3 दिनों में अपने बजट से 50 करोड़ आगे निकल के सुपरहिट भी बन गई। यहाँ पे सनी देओल एंड टीम ने पूरे बॉलीवुड को बुरी तरह एक्सपोज किया है जो आज तक अपनी पब्लिक को बेवकूफ बनाता आया है। आदि पुरुष जैसी फिल्म बनाने के लिए 600 करोड़ का बजट चाहिए तभी रामायण बन पाएगी, या फिर किसी फिल्म को पॉपुलर बनाने के लिए किसी फेमस प्रोड्यूसर का हाथ सर पे होना चाहिए तभी तो भीड़ लगती है, वरना प्रमोशन पे कम से कम 50-60 करोड़ का खर्चा करो और फिल्म का हाइप बना दो। अबे जाओ, पैसा, प्रोड्यूसर, पीआर तीनों रख लो अपनी जेब में, गदर 2 को इन तीनों की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सिर्फ पब्लिक उसके पीछे खड़ी है। देखो, गदर 2 पर्सनली मुझे क्वालिटी वाइज जरा भी अच्छी नहीं लगी। सीक्वल फैक्टर ना होता और इसके नाम से गदर हट गया होता तो फिल्म की हालत बहुत बुरी होती। स्पेशली जब मैंने थोड़े ही दिन पहले गदर 1 देखी थी थिएटर्स में, री रिलीज के टाइम पे वो मास्टरपीस लगी थी मुझे, एक एक सीन दिमाग में छप गया। लेकिन मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी गदर 2 के मेकर्स को, क्योंकि उनकी फिल्म ने बॉलीवुड को ये बात समझा दी कि पब्लिक की इज्जत करना जरूरी है। अब आपको बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है, फिल्म वालों को खुद पब्लिक को समझना पड़ेगा, पब्लिक के इमोशंस को समझो और वैसा सिनेमा बनाओ थिएटर हाउसफुल। अब देखो, 200-300 करोड़ तो गदर 2 आराम से कर लेगी, इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं है, लेकिन 500-700 हजार ये नंबर आ पाएगा या नहीं, इस सवाल का जवाब आप बताओगे मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर। गदर 2 का फाइनल नंबर कहां तक पहुंचेगा? और जरा फीलिंग्स एंड इमोशंस को थोड़ा साइड में रखके एक सवाल का जवाब और दो, क्या वाकई यही वो पार्ट 2 है जो आप गदर जैसी फिल्म से उम्मीद कर रहे थे? अगर सच कड़वा है ना तो भी बोल देना, आपसे इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं हम। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो दोस्तों, ये थी दीक्षा शर्मा और फिल्में इंडियन, इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ये बहुत ही अच्छी वीडियोस और बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ बनाते हैं वीडियोस से, बट इस रिव्यू के अंदर इन्होंने इतनी टेक्निक का इस्तेमाल किया है, मुझे समझ नहीं आ रही। ये गदर 2 मूवी, इसके अंदर इंडिया पाकिस्तान के अलावा
पाकिस्तान का दुश्मन इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान, और इसी नैरेटिव को सिर्फ उठा उठा के ऊपर लेके गए हैं। बाकी कुछ भी नहीं है इस मूवी में, एक पैसे की मूवी नहीं है। मुझे तो मतलब हैरान था मैं मूवी देख के। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि यार वो मूवी में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे। मैं तो ये देख रहा हूँ यार, गदर पार्ट वन जो थी ना, वो एक्सट्रीमली ज़बरदस्त मूवी थी। और मतलब उसको देख के आज भी मैं उसको देखता हूँ ना, तो मज़ा ही कुछ और होता है। उसकी मतलब सीन्स, उसकी वाइब, उसके गाने, उसकी एक्टिंग, हर चीज़ आउट क्लास थी। और गदर टू के अंदर ये सारी चीज़ें उल्टी हो गई, सारी चीज़ें डाउन क्लास हैं, बिल्कुल ही नो क्लास। सनी देओल ने थोड़ा बहुत कोशिश की है इस मूवी को उठाने की, पर नहीं कोई काम कर पाया वो इसके अंदर। और बस यही एक नैरेटिव बिक रहा है, इंडिया पाकिस्तान दुश्मन वाला। बाकी इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। एक मूवी के हिसाब से देखा जाए तो टोटली फ्लॉप मूवी है। मैंने ये मूवी देखी, आधी मूवी के बाद मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा यार ये मूवी में करा क्या है इन्होंने, और सारी की सारी मूवी मैंने उठा के साइड पर रख दी। उसके बाद मैंने देखी जेलर मूवी। ओ हो, क्या मूवी थी रजनीकांत की, मज़ा ही आ गया देख के। ठीक है, पर यहाँ पे अब ये मूवीज़ का ये वाला कलेक्शन भी आ रहा है कि भाई 40 करोड़, 43 करोड़, फिर तीसरा उससे भी ज़्यादा, और नो डाउट ये शायद 200-300 करोड़ तो क्रॉस कर जाएगी 15 अगस्त के बाद तक। और इसका टोटल कलेक्शन भी 400-300 करोड़ के करीब हो गया, 400-500 करोड़ के करीब तो चला जाएगा, लाजमी है। अब ये देखें कि एक मूवी में जान नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी कोई जान नहीं है इस मूवी के अंदर। एक्टिंग तक अच्छी नहीं की हुई, जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं वो भी, जिस बंदे ने डायरेक्ट की है या उसका कोई बेटा है या प्रोड्यूसर का बेटा है जो हीरो इसके अंदर लिया हुआ, सारी मूवी में उसको दिखाया, सब जगह सनी देओल को हाईलाइट कर रहे हैं, और मूवी में हर जगह ज़्यादातर किरदार उसका है। शुरू के 10-15 मिनट में तारा सिंह आते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, उसके बाद उनके बेटे की स्टोरी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और चलते चलते इतना दूर तक चले जाती है कि बस हम भी थक जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है इस मूवी के अंदर। और उसके बावजूद लोगों के रिव्यूज़, और रिव्यूज़ तो खैर इतने अच्छे नहीं आए, इतने अच्छे क्या, बहुत ही बुरे रिव्यूज़ मिले। सब लोग यही कह रहे हैं कि ये मूवी बेकार है, फ्लॉप है, घटिया है। पर फ्लॉप तो हो नहीं सकती, क्योंकि जिस नैरेटिव के ऊपर बनाई गई है ना, इंडिया पाकिस्तान वाला नैरेटिव जो होता है भाई, ये बहुत बिकता है। ये माल आप मूवी में बेचो, गाने में बेचो, या आप पॉलिटिक्स में बेचो, हर जगह बेचो, बहुत बिकता है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह पे बहुत बिकता है, तो इन्होंने बेच दिया और दबा के उसी से पैसा कमा रहे। बाकी अदरवाइज़ इस मूवी के अंदर कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, कोई ऐसा मज़ा नहीं है, कोई ऐसे स्टोरी लाइन नहीं है, स्टोरी तो है ही नहीं। और अगर आप इसको कंपेयर करोगे गदर पार्ट वन से, तो भाई सर पकड़ लोगे कि गदर पार्ट वन आसमान पे थे मूवी है, और ये ज़मीन पर है। इन दोनों मूवीज़ में इतना फ़र्क है। इवन दो इसमें सनी देओल हैं, मैं भी बड़ा वेट कर रहा था सनी देओल का और इस मूवी का भी, क्योंकि गदर मेरे बचपन की मूवी थी, मुझे बहुत लगाव था उस मूवी से, मैंने बहुत शौक से देखी थी। पर अब ये मूवी देख के बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ मैं। आप लोगों को क्या कहना है इसके बारे में, मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को गदर टू कैसी लगी, और आप लोगों को जेलर मूवी कैसी लगी रजनीकांत की, मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।